हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अर्टिगा जेडी प्लस मॉडल का। तो इस गाड़ी के अभी रिसेंटली 20,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और इसकी जो है दो ऑयल सर्विस हो चुकी है। तो आज अपन बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में, माइलेज के बारे में, और इसका रिव्यू अभी तक का 20,000 किलोमीटर का कैसा रहा रिव्यू इसका, इसके पिकअप के बारे में बात करेंगे और इसकी एसेसरीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको पूरा सर्विस के बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले गाड़ी दिखा देता हूँ। तो जो इसकी एक्स्ट्रा जो भी एसेसरीज लगी है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी इसकी फोग लाइट वगैरह, जिसको बम्पर है, मैटिंग वाइटिंग सब, रूफ रेल वगैरह सब आप वीडियो बना रखा है मैंने, सबकी प्राइस बता रखी है, तो वहां से आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें MG किट लगा है मारुति जनरल एसेसरीज का, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें की 4-5 चीजें आई थी, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको चलिए अभी गाड़ी दिखा रहा हूँ, चलिए आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये टॉप मॉडल है, इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए गए, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक चेंज करने का, और यहाँ पे सब ब्लूटूथ कनेक्ट करने का जो है कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग का लोगो देख सकते हैं आप। तो चलिए आपको मीटर के बारे में बताता हूँ थोड़ा। यहाँ पे अपन मीटर देखे तो यहाँ पे जो है RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर सब दे रखा है, और यहाँ पे आपको गियर भी शो करता है आपको कौन सा गियर लगाना है और कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, और ये किलोमीटर माइलेज वगैरह सब शो कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों सिर्फ जेडी प्लस मॉडल में आपको 7-इंच की LED स्क्रीन मिलेगी, जहां से आप अपने फोन को कनेक्ट करके आराम से गाने सुन सकते हैं, या फिर इसमें GPS भी कंपनी का दिया हुआ है, ये यहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे सब AC कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है, और यहाँ पे आप USB लगा सकते हैं, ऑक्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी जगह है। डिस्प्ले में आप आराम से कैमरा भी देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट में देखेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों को वाइपर चलाने का है इधर, और राइट में लाइट का जो कंट्रोल दे रखा है। टॉप मॉडल में आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलेगा, और यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह के बटन दे रखे हैं सब। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप क्रोम देख सकते हैं, जो यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगे हैं, ये सारे एक्स्ट्रा एसेसरीज में लगवाए गए हैं, जिसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप मैटिंग देख सकते हैं, ये भी अलग से लगवाई गई है ऊपर वाली। यहाँ से आप इंटीरियर देख सकते हैं कुछ ऐसा है। इसके अलावा ये आर्मरेस्ट देख रहे हैं, ये भी अलग से लगवाया गया है, ये भी एक्स्ट्रा एसेसरीज में आया था, ये गाड़ी के साथ काफी मैच करता है। यहाँ आप राइट में देख सकते हैं सारे विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, और ये ऑटोमेटिक है। इसके अलावा डोर लॉक अनलॉक करने का, और ये जो है मिरर एडजस्ट करने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ड्राइवर सीट में जो है हाइट को एडजस्ट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब मिडल सीट का देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ भी AC वेंट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों पीछे AC होने की वजह से इसका AC बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और गाड़ी को पूरी तरह ठंडा कर देता है। देख सकते हैं मिडल सीट पे भी जो है काफी कंफर्टेबल है, आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, और काफी ज्यादा स्पेस इसमें मिलता है आपको मिडल सीट में। इसके अलावा आपको इस डोर में एक बोतल होल्डर मिलेगा। चलिए थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में यहाँ पे जाने के लिए आपको इसको आगे करना पड़ेगा। चलते हैं अंदर। थर्ड रो में जो है ज्यादा मेरे को लेग स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना कम भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, जो कि 6 फीट से या फिर 6 फीट से ज्यादा है उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा। दोस्तों इसका एडवांटेज ये भी है कि आप इस गाड़ी में कोई भी सीट पे बैठते हो तो आपको जो है व्यू देखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको हर सीट पे आपको अच्छा व्यू दिखेगा, क्योंकि इसकी विंडो काफी बड़े हैं, आप देख सकते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन एक दो बैग आप आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा स्पेस यहाँ भी दिया हुआ है नीचे, यहाँ देख सकते हैं आप। तो स्पेस बनाने के लिए आपको जो है सीट फोल्ड कर लेना है, तो आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, आप आराम से बड़ा बैग भी रख सकते हैं। यहाँ पे सीट फोल्ड करने के बाद बहुत ज्यादा जो है आपको स्पेस मिल जाएगा इस गाड़ी में।
तो दोस्तों इसके पिकअप की बात करते हैं, तो हमने जब गाड़ी बुक की थी तो मैं भी ये सोच रहा था कि इसका पिकअप थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग डिजायर के बराबर इसका पिकअप है। तो चलिए दोस्तों इसका पिकअप देख लेते हैं। यदि आप 7 लोग भी बैठते हैं तब भी इसका पिकअप जो आपको पिकअप की कमी नहीं महसूस होगी आपको, और आप आराम से ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं। और गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात करें तो 150 तक आराम से मैंने चलाई है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी पे कि आप गाड़ी रोक सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इसको माइलेज की बात करें तो कंपनी वाले 24 का बताते हैं, लेकिन 24 का नहीं, आपको अराउंड 16-18 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो हमने मई 2017 में गाड़ी ली थी, तब इसकी प्राइस 11 लाख थी। दोस्तों गाड़ी लेने के बाद जो हमने एसेसरीज लगवाई उसका वीडियो भी बना चुका हूँ, वैसे आपको फिर से बता देता हूँ, जो 26,000 रूपये का MG किट जो हमने लगवाया था मारुति जनरल एसेसरीज की तरफ से, तो वो 26,000 का पड़ा था हमें पहले, तो वो मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो बाहर से लगवा ले तो काफी अच्छा रहेगा, तो क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप ये सीट कवर जो है बिल्कुल एक ही कलर के हैं, आपको चॉइस नहीं मिलती है कंपनी में, तो आप बाहर से लगवा सकते हैं, आप मल्टी कलर के लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो आप स्टेयरिंग कवर देखेंगे वो बिल्कुल ब्लैक कलर का है, वो मल्टी कलर का होता तो ज्यादा बेटर होता। इसके अलावा दोस्तों बाहर से जो रूफ रेल जो मैटिंग वगैरह फोग लाइट वगैरह सब लगवाई है, मैं इसकी प्राइस मैं आपको बताई चुका हूँ, दूसरे वीडियो में आप देख लीजिए। तो सेकंड ऑयल सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर पे, इसमें इस अभी गाड़ी के 6,700 रूपये लग रहे हैं। व्हील बैलेंस जो है, स्टेयरिंग बैलेंस और ये सब हुआ था इसमें कि सारे फिल्टर चेंज हुए थे, तो उसके 6,700 रूपये अभी लगे सेकंड ऑयल सर्विस। तो दोस्तों इसका म्यूजिक सिस्टम भी काफी अच्छा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे जो नई अर्टिगा आ रही है उसका वीडियो और महिंद्रा मराजो का भी वीडियो डालूंगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।